पत्र निकला है उस पत्र का सबसे फर्स्ट लाइन जो है इतनी बेशर्मी से लिखी गई है। उस पत्र में लिखा गया है कि 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित है। बताइए, ग्रीष्मावकाश एक दिन भी नहीं हुआ है, लगातार विद्यालय चलते आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, खाना बन रहा है, स्कूल शिक्षक जा रहा है, सारा काम चल रहा है, और कितनी बेशर्मी से लिखा गया है पत्र में। अभी जो आया विद्यालय टाइमिंग का पत्र आज के ये 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक ग्रीष्मावकाश घोषित था, और बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए, वाह वाह रे पत्र, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए अब जो विद्यालय है वो 16:05 से लेकर के 30:06 तक सुबह 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक चलेगा। बच्चों को स्वास्थ्य को देखते हुए, जो अभी गर्मी है जिसमें 10 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है, और ऐसी स्थिति में गरीब दलित और महादलित के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे जो गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालय में, वे बच्चे विद्यालय से निकलेंगे 12:30 बजे बताइए, और कहते हैं बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए। और शिक्षक, इसके बाद फिर शिक्षक से भीसी लिया जाएगा, शिक्षक को 3 बजे तक रहना होगा। हम इसलिए इस मामले को देखते हुए तमाम शिक्षक, हम बताना चाह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षकों की हाय लग रही है, देखने में मिल रहा है, कल पटना में लोग खुली आंखों से देखे, शिक्षकों की हाय लग रही है, लगना शुरू हो गया है। लेकिन शिक्षक साथी, चाहे जिस प्रकार के शिक्षक हो, चाहे पूर्व वाले हमारे जितने बड़े भाई जो नियमित शिक्षक पंक्ति में है वो हो, चाहे तमाम नियोजित शिक्षक हो, जितने प्रकार के नियोजित शिक्षक में सभी हो, चाहे आज जो हमारे छोटे भाई बहन जो बहाल हुए हैं बीपीएससी वाले में, सभी लोग, सबको एक होकर के रोड पर उतरने का समय आ गया। अगर नहीं आइएगा तो यह सरकार आपको परेशान करते रहेगी। नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, तेजस्वी जी चुप्पी साधे हुए हैं। आज नीतीश कुमार जी का कहना है यही, आज नियोजित शिक्षक को परेशान किया जा रहा है, कहीं नहीं कहीं यह बात विधानसभा से आई थी कि यह पिछला बार विधानसभा चुनाव में सब लोग तेजस्वी को वोट दे दिया था, इसलिए लोगों को परेशान करना है, और तेजस्वी वोट लेकर के चुप हो गए और नीतीश कुमार पाठक जी को लेकर के परेशान करवा रहे हैं। बताइए तो, मतलब हम लोग अपना वोट का भी अधिकार नहीं है? वोट अपना है, मत अपना है, कोई किसको नहीं दे, कोई किसको दे, इसका मतलब शिक्षक को परेशान करेंगे? आज उसकी परेशानी का खमियाजा यहाँ शिक्षक को भुगतना पड़ा, दिन रात परेशान किए हुए, सारे लोग चुप है, नीतीश जी चुप है, सारे मंत्रिमंडल चुप है, सारे विधायक चुप है, ये विधानसभा में चिल्ला के लोग बोला कि 10 से 4 विद्यालय चला, 10 से 4 आज तक 10 से 4 मुख्यमंत्री का बात नहीं माना, शिक्षा मंत्री का बात नहीं माना, पक्ष विपक्ष का बात नहीं माना, अब जो चार पाठक वही चलाएंगे, 12 पाठक जी आज जो चाहेंगे वही होगा। अन्याय हो रहा है, अन्याय, अन्याय जो है वह सहना सबसे बड़ा दुष्कर्म है। इसलिए तमाम साथी जागिए, और बहुत जल्द पूरे बिहार में जितने प्रकार का संगठन है, नियमित नियोजित बीपीएससी, सारे लोग एक साथ बैठेंगे, अब बैठ करके 4 संहिता के बाद बिहार में हड़ताल का घोषणा होगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की जरूरत पड़ गई है, वरना शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को जान से मारने की यह व्यवस्था है। अब बताइए कि 6 बजे से लेकर 1:30 बजे तक स्कूल, इसके बाद फिर 2 प्रधानाध्यापक भीसी करेंगे 3 बजे तक, बताइए कहां का नियम है।